तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप चेक के इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट एज अ एक्सपर्ट लॉग इन करके कैसे आप वहाँ से आंसर्स देके अर्निंग कर सकते हैं। और ये बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है। जो लोग कहते हैं यहाँ से अर्निंग नहीं होती, तो वो आप उनकी बात मत सुनिए, ये बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से रियल अर्निंग होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे चेक एक्सपर्ट लॉग इन, ठीक है। ये जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इस वाली साइट पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट चेक इंडिया, इस पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका साइन अप का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ई मेल आई डी डालनी है और उसके बाद नीचे आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। पहले मैं अपनी ई मेल आई डी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद मैं अपने आई एक्सेप्ट जो नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा, और इस पर क्लिक करने के बाद मैं स्टार्ट साइनिंग अप पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पे मुझे आएगा थैंक यू कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। तो उसके बाद मुझे ये जो इस तरह का फॉर्म है ये पूरा फिल करना है। सबसे पहले अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालना है, वो मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद ये छोटा सा नीचे जो कैप्चा है ये फिल करना है, और ये कैप्चा फिल करने के बाद मुझे साइन अप पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं पहले थोड़ा सा कैप्चा ये फुल फिल कर देता हूँ। A7EMX5। सो गाइस, कैप्चा मैंने फिल कर दिया है। मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, वी हैव सेंड एन ईमेल। ठीक है, तो आप इन्होंने मुझे ईमेल जो है वो सेंड कर दी है। जो इन्होंने मुझे ईमेल सेंड करी थी वहाँ से मैंने अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर लिया था। तो मैं दोबारा से इस पेज पे आके अपनी ईमेल आईडी जो मैंने इसमें डाली थी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ एज अ एक्सपर्ट, बट अभी मैं एज अ एक्सपर्ट इस पर लॉगिन नहीं हुआ हूँ। इस पर एज अ एक्सपर्ट लॉगिन होने के लिए मुझे थोड़े से इसमें टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। पहले आई एक्सेप्ट पे हमसे क्लिक करके सबमिट कर देंगे जो आपके सामने आ रहा था। तो जो वो कंडीशंस हमें पूरी करनी पड़ेंगी इसमें एज अ एक्सपर्ट लॉगिन होने के लिए, ताकि हम इसमें से अर्निंग कर सकें। तो इसमें टोटल 72 आवर्स का जो होता है वो कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें आपका 3 दिन का पूरा इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको गाइडलाइंस का टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको डिग्री अपनी जो आपके पास डिग्री है वो आपको इसमें वेरीफिकेशन करवानी पड़ेगी, अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा, अपनी बैंक अटैच करनी पड़ेगी जिसमें आपकी इनकम आएगी, और आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, यानी आधार कार्ड का वो डालना पड़ेगा, क्या जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और लास्ट में आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करना करते हैं वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉक थ्रू वीडियो है, आप वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हैं कि इसका हायरिंग प्रोसेस कैसे है, कि मतलब क्या क्या आपको करना है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन भी दिख जाएंगी। ये देखिए वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। सो वीडियो के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, और बाकी ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है। आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा ये प्रोसेस आ जाएगा। जब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप एज अ एक्सपर्ट इसमें हायर नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने में आप कंप्लीट करने में आपको कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो चैनल पर नया है। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में।